वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस जे हिमालयन में। और आज का मैच है हमारा देवर में और लगभग टीम पहुँच चुकी है तो हम भी निकलते हैं। वैसे ही कल रात से गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बाकी इधर तो ये चढ़ा हुआ है और लगभग ये पेन भी थोड़ा बहुत अभी चल ही रहा है और जो घरेलू उपचार होते हैं वो भी चल ही रहे हैं। और कल लगभग जो हमारे दो तीन प्लेयर थे थोड़ा कुछ ऐसे ही काम था सुबोध का, तो उसकी वजह से ये साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। सभी लोगों का है एक। और गाड़ी तो लगभग सुबह ले आया था मैं और अभी चलते हैं हम लोग गुप्तकाशी देवर में। चलते हैं फिर ले चलते हैं आपको पहाड़ी क्रिकेट मैच में। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं सतीश और परवीन लोग, ये लोग जा रखे थे वीरी में इनका मैच था। और लगभग अभी हम लोग पहुँचे हैं पेट्रोल पंप पे, तो यहाँ से निकलने के बाद देखते हैं कब तक वो लोग आते हैं। जब तक वो लोग यहाँ नहीं पहुँचते तब तक उनका यहाँ पे वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। कैलाश के वीर और लगभग हम लोग देवर में पहुंच चुके हैं और पूरी टीम देवर में पहुंच गई है। और जो अभी परवीन लोग कैलाश लोग जो भीरी में गए थे वहां पे उनका मैच था, उनको हम लोग रुके थे पेट्रोल पंप पे। और ये है देवर गांव का सुंदर नज़ारा। धन्यवाद मनीष राणा जी। और अगर हमारी आवाज बड़े भाई संजय भेदवाल जी तक अगर संजय सवाल जी तो आप कृपया कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें। इस बीच टीसीसी मस्तूरा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया है धर्मनाथ स्पोर्ट्स क्लब। इस बीच एक बड़ा मुकाबला, रोचक मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा सभी श्रोताओं एवं दर्शक गणों को। तो अलग अलग टीमों से प्रतिभाग करते हैं लगातार अपने सबके साथ स्पोर्ट्स क्लब चल रहा हो। इस बीच टीसीसी मस्तूरा की यदि मैं बात करूँ तो बिल्कुल देख सकते हैं आप टीसीसी मस्तूरा के सभी अच्छी तरह सीख के रहा साथ ग्राउंड के ऊपर आते हैं। फिलहाल मैं देख रहा हूँ टीसीसी मस्तूरा के सलामी बल्लेबाज जिस तरह का फैसला लिया है हम चलते कप्तान के साथ पैर को पैर के ऊपर दबाइए जो अच्छी गेंद गुड से देखते हुए रखे छुई थी। लेकिन निश्चित तौर पर रनिंग विकेट की जहां तक मैं बात करूं तो टीसीसी मस्तूरा सुधाकर चले हल्के हल्के कदमों के साथ अंपायर को पार किया। इस बार दबाइए गेंद अच्छी गेंद गेंद को खेला तो जरूर है धकेला जरूर है बैक टू बॉलर के क्षेत्र में। सुधाकर तैयार उधर बल्लेबाज कई क्षेत्र रक्षकों के द्वारा गेंद वापस दी जा रही है गेंदबाज आदर्श को। आदर्श चले राइट आर्म ओवर का विकेट चल गया कदमों के साथ अंपायर को पार किया। इस बार बताइए गेंद अच्छी गेंद प्लस अच्छी गेंद जरूर थी।
विकेट कीपर चुके थे बात करोगे राइट बैंक ओवर का विकेट इस बार पास ये देखा फुल टॉस फुल टॉस गेंद को सही से लग नहीं पाए रन आउट होने का भी खतरा हो सकता है अगर डायरेक्ट हिट हुई है फिलहाल गोस्वामी को मार जाइए क्षेत्र में जब तक विकेट कीपर खुल जाते गेंद को कलेक्ट करते आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया इस एक रन की मदद से अब टीम का आदर्श चले राइट टैम ओवर का विकेट इस वक्त ये गेंद अच्छी परिवर्तन के तौर पर बैठी हुई गेंद गुणवत्ता करोड़ रुपए छू रही थी अंतर आई के दौर निश्चित तौर और इस बीच आउट होने वाले बल्लेबाज अपनी आउट हुए की जहां तक मैं बात करूं फिलहाल अगेन आदर्श सप्ताह की भाई की ओवर को आगे बढ़ाते हुए राइट आप सभी को चल जाएंगे पार क्या है इस पर तबाद फिर से जरूर पिच हुई थी लगातार अंतर आ रही है गेंद भेजा था बल्लेबाज अमरीश को फिलहाल आदर्श चले गेंद को खेला जरूर है अकेला जरूर है हल्के हाथों से बैठ के क्षेत्र में इस बीच ओवर के है दाएं हाथ की आक्रामक शैली के बल्लेबाज असुजा राइट आम ओवर का पैर के क्षेत्र में बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया एक रन के साथ ही संतुष्ट होना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को अब परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी के लिए आए थे बरजीत राइट आर्म ओवर का विकेट लंबे से बॉलिंग रन के साथ हल्का के कप के साथ अंपायर को पार किया इस बार बताइए ये बात की जो खेला जरूर है अकेला जरूर है विराट कोहली के क्षेत्र में वहां पे क्षेत्र रक्षक पहुंच चले राइट आर्म ओवर का विकेट हल्का के कप के साथ अंपायर को पार किया इस बार बताइए ये जरूर थे अदिति नहीं कहता हवा अभिजीत का राइट आर्म ओवर का विकेट लंबे से बॉलिंग रन के साथ हल्का के कप के साथ अंपायर को पार किया शाबाश असद गेंद को भेज दिया है टीम को अलग बाउंड्री से बाहर छह रन के लिए संकट में डाल सकती है फिलहाल बरजीत चले इस बार तबाह फिर से गेंद अच्छी गेंद गेंद को धकेला दे रहे हैं शॉट लेग के क्षेत्र में रन आउट होने का वहां से खतरा हो सकता था इस बीच दोनों ही बल्लेबाज के साथ अब चौहान को मार किया है इस बार तबाह रजनीश राय है अब परिवर्तन के तौर पे अपने कोटे का पहला टीम के लिए चौथा ओवर गोल करेंगे दूर चौकंबा हैंड से राइट आर्म ओवर का विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है गेंदबाज रजनीश ने किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं फिलहाल सामने है आक्रामक शैली के बल्लेबाज जाते प्रवीण त्रिवेदी राइट आर्म ओवर का विकेट के साथ पैर चौहान को पार किया है इस बार समय यह गेंद पटकी हुई गेंद और गेंद को सही नसीहत इस समय की है भाग भाग से त्रिपल कर त्रिपल कर भाग 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 पर भाग त्रिवेदी फिलहाल ये गेंद सारा प्लान की गेंद एक बार फिर से गेंद को खेला जरूर है स्क्वाला का पैर के क्षेत्र में गेंद डीप स्क्वायर दोनों होड जूम का रजनीश तैयार राइट टॉप ओवर का विकेट हल्का के कप के साथ अंपायर को पार किया इस बार बताइए गेंद अच्छी गेंद निकट के जरूर पिच हुई थी गेंद शॉर्ट लेग के क्षेत्र में जरूर चली गई थी आसानी के साथ दौरा है राइट टॉप ओवर का विकेट का पतन जरूर यहाँ से हो गया है सुजात की बारी का यहाँ से अंत हो चुका है अब देखते हैं सुजात का स्थान लेने के लिए और भेजा है अवल्लेबाज के द्वारा ज्योति प्रकाश को अपनाया जा रहा है गेंदबाज के सामने है प्रवीण त्रिवेदी ज्योति प्रकाश राइट आर्म ओवर क्रिकेट दौड़ना प्रारंभ किया इस बार जरूर है कॉम बॉस के नीचे गेंद लेकिन नौ मैन लेट बजाय कोई खिलाड़ी खड़ा रहता दूसरे रन चुका है और अच्छी रनिंग भी दूसरी विकेट कहूंगा मैं दो रन प्राप्त कर चुके इसको विकेट दौड़ना प्रारंभ किया अंपायर गोस्वामी को पार किया इस बार खेल गया गेंद को लोग आपके क्षेत्र में स्टेट बाउंड्री पे छह रन के लिए एक और छक्का निकलता हुआ प्रवीण त्रिवेदी के बल्ले से स्कोर जा पहुंचा 45 रन धीरे ज्योति प्रकाश तैयार राइट आर्म ओवर विकेट
दौड़ना प्रारंभ किया पैर को साइड कप्पा के ऊपर बल्ला जरूर चला था कि जरूर डबल के पी जरूर लगातार वही अंपायर गोस्वामी ने निश्चित कर दे रेगिस्तान मिस कर चुके हैं और जैक वाइकर में एक रन प्राप्त कर चुके हैं दूसरे रन की कॉल है और जैक वाइकर में दो रन प्राप्त कर चुके हैं स्कोर क्या पहुंचा 47 रन जय प्रकाश तैयार राइट साइड ओवर के दौड़ना प्रारंभ किया अंपायर को पार किया इस बार खेल गेंद हवा में थोड़ी जरूर थी गेंद लेकिन नोमैन लैंड में अच्छी फील्डिंग कोंगा में शॉर्ट कवर में खड़े फील्डर के द्वारा निश्चित तौर पे अच्छी टीम कोंगा में तीन धर के अंदर नई टीम के सभी खिलाड़ी युवा चेहरे नजर आ रहे हैं ज्योति प्रकाश तैयार गयो गयो इस बार प्रशासन जरूर कर गए संजय बार भाई के रूम में प्राप्त रन के है दो रन और टीम के खाते में जुड़े स्कोर क्या पहुंचा ज्योति प्रकाश तैयार राइट टॉप ओवर द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया अंपायर गोस्वामी को पार किया इस बार शॉर्ट ओवर लेग गेंद किया वाली फेंक जरूर क्या है छह रन के लिए पहला छक्का निकलता हुआ कैलाश के बल्ले से स्कोर उछलकर जा पहुंचा यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है टीसीसी मसूरा की टीम अच्छा फैसला कहूंगा टीसीसी मसूरा का फिलहाल ज्योति प्रकाश तैयार राइट टॉप ओवर द विकेट इस बार निकली गेंद और गुंडे के बल्लेबाज के छाती में जाकर लगी गेंद हल्के से करार जरूर है वहां पे बल्लेबाज क्योंकि पिच होने के बाद डायरेक्ट छाती में जाकर लगी गेंद हल्की चोट जरूर आई है वहां पे बल्लेबाज को रंजीत पांच सुबह स्टैक गेंदबाज को वापस बुलाए गए हैं राइट टॉप ओवर दी विकेट दोनों प्रारंभ किया सामने पर भी त्रिवेद इस बार करारा प्रहार जरूर किया अच्छी फील्डिंग वहां पे फील्डर के द्वारा निश्चित तौर पे रन रोके दोनों प्रारंभ किया पैर गोशाली को पार किया इस बार शॉट ओवर लेग गेंद बोल पड़े हो यार भाई ऑफिस में उछा गया गेंद हवा में थोड़ी देर हवा में जरूर थी लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर अपने छोर बदल दिए एक और रन टीम के खाते में स्कोर क्या पहुंचा 56 रन अब सामने होंगे कैला सुबह का तैयार राइट टॉप ओवर दी विकेट दोनों प्रारंभ किया पैर को पार किया इस बार लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपनी क्रीज पे दो रन की अच्छे और डाउनर से भरी हुई है बीसीसी तिरुगी नारायण अपने बॉलर थ्रो में अच्छी फील्डिंग करना जरूर चाहते थे लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया अपने छोर बदल दिया एक और रन टीम के खाते में स्कोर क्या पहुंचा 59 रन अब सामने होंगे परवीन त्रिवेदी टीसीसी तुंगनाथ क्रिकेट क्लब मस्तूरा इस बार खेल दिया गेंद को बैक टू बॉलर अच्छी करारा प्रहार कहूंगा मैं लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जब तक लॉन्ग ऑफ से फील्डर आते गेंद को फील्ड करते अपने छोर बदल दिया एक और बाजी कर रहे हैं राइट टॉप ओवर क्रिकेट दौड़ना प्रारंभ किया अंपायर गोस्वामी को पार किया अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा डॉट डिलीवरी के साथ अपने छोर बदल दिए एक और टीम के खाते में स्कोर क्या पहुंचा 61 रन अब सामने होंगे खिलाफ आदर्श तैयार राइट टॉप ओवर दी विकेट इस बार खेल गेंद के क्षेत्र में वहां पे फुर्तीले अंपायर जरूर है चोटिल हो सकते थे अंपायर के बगल से निकल गई गेंद गोली की रफ्तार से एक और रन टीम के खाते में तक परवीन त्रिवेदी आदर्श तैयार राइट टॉप ओवर दी विकेट नहीं यार कब चार चार से गलत जाने यार आदर्श के द्वारा यहां अगर हमको सगा है तो डिसाइड गेंदबाजी नहीं करनी होगी बीसीसीआई के विनर को फिलहाल आदर्श तैयार हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार श्री करो तो एक अच्छे एंकर है आपका भी स्वागत है नंदन फिलहाल आदर्श तैयार इस बार पटकी हुई गेंद खेल दिया गेंद के क्षेत्र में हवाई यात्रा में गेंद 6 रन के लिए बिल्कुल तारामंडल में भेज दिया गेंद को स्कोर उछल कर कूद कर जा पहुंचा तुंगनाथ क्रिकेट क्लब मस्तूरा इस बार खेल दिया गेंद को इस वेले के क्षेत्र में जब तक सिर्फ से फील्डर आते गेंद को फिर करते अपने छोर बदल दिया एक और रन टीम के खाते में स्कोर जा पहुंचा 71 लॉस ऑफ 2 विकेट जबकि सातवें ओवर की गेंद आदर्श तैयार युवा गेंदबाज तारीफ करने होगी बीसीसी तिरुनार के सारे अंडर 19 के खिलाड़ी हैं सभी युवा चेहरे नजर आ रहे हैं अच्छी कमबैक किया है युवा कर गरोने जी अच्छी टीम तैयार की है आपने लगभग सभी अंडर 19 के खिलाड़ी हैं दर्जी तैयार राइट टॉप ओवर द विकेट इस बार पट्टी भी गेंद किया वाला जरूर है गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेके गए थर्ड में अच्छा कैच किया वहां पे कीपर ने यहां कैलाश की पार्टी के द्वारा बरजीत को बुलाया गया है और यहां पहली गेंद पे विकेट प्राप्त कर चुके हैं 15 रन का योगदान दिया है टीम के लिए ओपन करते हैं यहाँ नीचे जरूर लाए हैं पांच नंबर बल्लेबाजी के लिए परिवर्तन जरूर क्या है टीसीसी मसूरा ने फिलहाल बरजीत तैयार राइट टॉप ओवर विकेट सामने परवीन
पांचवा छक्का स्कोर कर गोल कर जा पहुंचा। 2021 दिसंबर में फाइनल मैच खेला था बांगर के ग्राउंड में और सत्य की पारी खेली थी वहां पे। एक बार बैक टू बैक सिक्स निकलते हुए परवीन त्रिवेदी के बल्ले से लगभग 110 मीटर का छक्का। पांचवा छक्का निकला है परवीन त्रिवेदी के राउंड विकेट आए हैं बरजीत सामने। परवीन त्रिवेदी तैयार, इधर बरजीत तैयार है तब राउंड विकेट। अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा ऑफिस का मुखाड़ी दी गई लगने वाला त्रिवेदी। युवाओं का जरूर मनोबल बढ़ा रहे हैं ड्रेसिंग रूम से यहाँ से होम बॉक्स से दिवाकर गैरोलॉजी, क्योंकि सभी अंडर नाइनबाजी कर रहे थे। सात छक्के लगा चुके थे प्रवीण त्रिवेदी। फिलहाल बरजीत तैयार रहेगा राउंड विकेट सामने हरीश तैयार। इस बार जयपुर में जाकर फिकल भर दिया गेंद को गली के क्षेत्र में। जब तक छिप से फिर आते गेंद को फिर करते अपने छोर बदल दिए अपनी स्कोरिंग शुरू की। एक लगाऊंगा टीसीसी मसूरा टीम कैप्टन का। अच्छे रन बरसे हैं अब तक सभी बल्लेबाजों ने। बरजीत तैयार राइट टर्म राउंड विकेट। इस बार बैक फुट में जाके फेकल भर दिया गेंद को बैक टू बॉल। अच्छी फिर होते बॉलर थ्रो में बरजीत के द्वारा रन की गुंजाइश। रजनीश आए हैं अपने कोटे का दूसरा पारी के लिए। नवा ओवर लेके राइट टर्म ओवर विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज हरीश के लिए। इस बार बल्ला जरूर चला होगा थोड़ी देर जरूर थी गेंद, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर नो मैन लैंड में। अंपायर सिग्नल चार रन। पहला चौका निकलता हुआ हरीश के बल्ले से स्कोर छोड़कर जा पहुंचा 88 रन। रजनीश तैयार राइट टर्न ओवर दी विकेट। जागदार वाले छोर से दौड़ना पड़ा रन के। अंपायर गोस्वामी को पार किया। मुखाड़ी दी गेंद ठीक ही बाद वहां विकेट में योगदान दिया है हरीश ने अपनी टीम के लिए। अच्छी वापसी कहूंगा गेंदबाज के द्वारा लगातार विकेटों। टीसीसी मसूरा ने लेकिन अच्छे रन बटोरे हैं वहां पर परवीन त्रिवेदी ने। आपके बीच में अच्छी बल्लेबाजी की पटरी पे फील्डर को लगा दिया है बरजीत को। जानते हैं कि यहाँ डाउन द बाउंड्री है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। रजिस्ट तैयार राइट टर्न राउंड द विकेट। दौड़ना प्रारंभ किया। इस बार दिशा से जरूर बट गए किस्तम से बाहर फेंक दी गई निश्चित तौर पर वाइट करा दी जाएगी। एक रन की राइट टर्न राउंड विकेट। दौड़ना प्रारंभ किया पर गोस्वामी को पार किया। जरूर किया बल्लेबाज को भाग्यशाली ने वहां पर देख के निकल नजीक से निकल गई गेंद ले जाते हैं हम बात की बात तो हमें तो। अब छह गेंद किए हैं ओवर दे के गए हैं रजनी। इस बार फुटबॉल गेंद और सीधा चौका निकाले का स्वागत किया है और रात में छह रन के लिए हवाई फायर। छह रन के लिए स्कोर क्या पहुंचा छह रन। रजनी तैयार राइट टर्न ओवर दी विकेट। छह रन के लिए लगातार को बिजी कर रखा है सभी जरूर लाए हैं बरजीत को बुलाए हैं। जाते एक सिंगल रोकने यहाँ से। फिलहाल ज्योति प्रकाश तैयार इस बार छोटा ब्लैक गेंद जरूर भी खेल दिया गेंद को लोगों के क्षेत्र में। जब तक फील्डर गेंद को फिर करता है छोड़ बदल अच्छी कोंगा में फील्डर के द्वारा निश्चित तौर पे डायरेक्ट हिट किया वहां पे ज्योति प्रकाश तैयार सामने बाया के बल्लेबाज तैयार। लगातार बीट कर रहे हैं बल्लेबाज को इस बार ऑफिसर से काफी बार फेंक दिया निश्चित तौर पे वाइट करार दिया। एक बाइक के रूप में रन प्राप्त किया है दो रन और टीम के खाते में स्कोर क्या पहुंचा हो सकता है क्योंकि बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर है टीसीसी मसूरा की। अनुराग तैयार इस बार लोगों के क्षेत्र में हवा में जरूर है गेंद लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर और सीरी चंपार सिंगल चार रन। एक और वेलकम मोड सती के जानते बड़ा मुकाबला है टीसीसी मसूरा और टीसीसी त्रिनाड़ के। इस बार खेलिया गेंद को बैक टू बॉलर फिर हवा में जरूर थी गेंद लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। जब तक लोगों से फिड़ाते गेंद को फिर करने छोड़ बदल डायरेक्ट हिट जरूर किया था लेकिन बल्ले राहुल ज्योति प्रकाश तैयार राइट टर्न ओवर दी विकेट। दौड़ना प्रारंभ किया अंपायर गोस्वामी को पार किया। इस बार बीट किया बल्लेबाज को अच्छी गेंदबाजी कहूंगा इसी बीच ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर है 115
बीच पक्या यापा रुकोन सु सुकन खाल रिकॉर्ड अलग अलग वन पर लेकिन हां या पूरी बनो या अलग अलग मतलब काटी तक बने सके तो बाकी सु ऐड कर दे कौन दीपक दौड़ना प्रारंभ किया पांच चौहान को पार किया पहले गेंद फुल टॉस गेंद बल्ले के नीचे यस 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 कीपर जो गेंद के नीचे आ रहा है छक्के छक्के वहां पे काफी रनिंग के सब पीछे दोनों था लेकिन दो खिलाड़ी जरूर आगे थे लेकिन यहां बरजीत की पारी का खत्म हुआ गोल्डन तक वापस जा रहे हैं बरजीत खाता भी नहीं खोल पाए लगने वाला ये पहला छक्का तीन के योग पे तीनों अंक के रन खटके हैं अब तक बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए तो वापस आ चुके हैं फिलहाल नॉन स्ट्राइक पे होंगे स्ट्राइक पे होंगे दीपक बार बल्ले का निकले ऐसा लगे गए थर्ड में अच्छी फील्डिंग होगा फील्डर के द्वारा निश्चित तौर पे बाउंड्री रोकी वहां पे तीन रन रोके मात्र एक रन यहाँ दीपक ने पारी की शुरुआत की एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा चार रन अब सामने होंगे सोहन फिलहाल अंपायर अभिषेक चौहान से रजिस्ट्री का कार्ड चेक किया वहां मार किया अपनी पॉपिंग की तैयारी रख दीपक तैयार अपने बॉलिंग मार्क पे एक समय पास कर चुके हैं दीपक अब तक राइट आर्म ओवर द विकेट जाकर इनसे दौड़ना प्रारंभ किया अंपायर अभिषेक चौहान को पार किया इस बार पत्ती दौड़ हवा में जरूर गए लेकिन नॉर्मल लीग में जा कोई क्या रन आउट का खतरा जरूर अगर डायरेक्ट हिट करते मुश्किल था यहाँ पे क्योंकि यहाँ से सिंगल विकेट दिखाई दे रही थी लेकिन विकेट के नीचे से निकला थ्रो अच्छी फील्डिंग होगा फील्डर के द्वारा स्कोर जा पहुंचा पांच रन अब सामने होंगे दीपक हवा में गेंद जरूर थी लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से निकल गई गेंद एक रन के लिए स्कोर जा पहुंचा छह रन दीपक पहुंचे दो के योग पर अब सामने होंगे सोहन 45 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं जो भारत के रोहित शर्मा का नंबर है रोहित शर्मा की बात करो तो विस्फोटक बल्लेबाज है क्या बल्लेबाजी की है ऐसे रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है जो बन भी नहीं सकते हैं 264 रन की पारी श्रीलंका के विरुद्ध कल की तारीख वही नंबर जर्सी में छपा हुआ 45 नंबर वन डाउन बल्लेबाजी के लिए आए हैं कुछ जीती बोलो करो कुछ जीती
अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, जानते हैं पहला विकेट गवा चुके हैं, अभी मात्र 6 रन लगे हैं बोर्ड पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी की जा रही है अपने कोने का पहली विकेट, क्या गारेन से दौड़ना प्रारंभ किया है चौहान को पार के, इस बार करारा प्रहार इस ओवर के क्षेत्र में आगे जरूर निकल जाएगा। कॉल कहूंगा मैं नॉन स्टाइल में खड़े दीपक के द्वारा, क्योंकि डेली रन पे जाना था, सीरीज खत्म देखने को मिल रहा है किसी के द्वारा। हरीश काफी तेज गेंद निकालते हैं, पीछे क्या बल्लेबाज को लगातार ऑफिस में अटैक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हरीश की बात करोगे तो गेंदबाज है हरीश, राइट आर्म ओवर दी विकेट, इस बार फुट ऑफ के नो बॉल जरूर करा दी जाएगी क्योंकि चेस्ट हो जाएगी फाइटिंग गेंद की। अच्छे अनुभवी अंपायर संजय गोस्वामी, नो बॉल करा दिया गया है, तोहफा जरूर मिला है बल्लेबाज चौहान को फ्री के रूप में, देखते हैं किस प्रकार कबूलते हैं इस तोहफे को। अभी बसंत पंचमी बहुत दूर है लेकिन तोहफा पहले कबूलना होगा बल्लेबाज को, देखते हैं किस प्रकार बनाते हैं इस तोहफे को। तोहफा जरूर दिया है गेंदबाज हरीश ने, यहाँ आप बोल आउट नहीं हो सकते हैं, कैच आउट नहीं हो सकते हैं, मात्र रन आउट हो सकते हैं, निश्चित जरूर है फ्री हिट की गेंदबाज के द्वारा। नाकाम रहे बल्लेबाज, बीट किया बल्लेबाज को, स्कोर अभी भी 6 रन 8 रन माफ करना। लगातार बीट कर रहे हैं बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं दे रहे, काफी तेज गेंदें निकाल रहे हैं हरीश की बात करो, छोटा बॉलिंग ग्राउंड फिर है लेकिन काफी तेज गेंदें निकाल रहे हैं ग्राउंड पे। हरीश तैयार, राइट आर्म ओवर दी विकेट, लगातार बीट कर रहे हैं बल्लेबाज को, अच्छी फील्डिंग सामने हो गया शोहन गणेश नाटियाल, आप जहाँ कहीं भी आपको बॉक्स वेट कर ले, आपको एक कॉमेंट्री सुनाई दे रही है आकाशवाणी तेवर के केंद्र से, लगातार लाइव देख सकते हैं इस मैच को मनीष पहाड़ी के यूट्यूब चैनल से, आप दूर दराज से लाइव देख सकते हैं इस मैच को। दो रन प्राप्त कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, स्कोर 2 रन को में 11 रन डबल 1 तुम्हारी टीम बोला है। जबकि तीसरे ओवर की गेंदबाजी की जा रही है अपने कोटे का पहला पारी के लिए, तीसरा ओवर हरीश सामने सोहन तैयार, फुट ऑफ बना के खेल दिया गेंद को, फील्डर से दूर अपने छोर बदल दिए, एक और रन टीम के खाते में स्कोर जा पहुंचा 12 रन। अब सामने होंगे दीपक, हरीश तैयार अपने बॉलिंग मार्ग में, सामने दीपक तैयार, राइट आर्म ओवर दी विकेट, बार बल्ले का निचला हिस्सा लेके लुटकती रहेगी गेंद, खुद विकेट के बने गेंद को फीड किया इसी बीच ओवर ये ओवर दी विकेट, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए सोहन तैयार, आखिर जरूर हरा दी थी नजर गेंद से लेकिन बल्ला हरा दिया अंतिम छड़ों ने, गेंद लुटकी खुद फील्डर आए गेंद को फीड किया, अभी भी स्कोर है 12 रन यहाँ से किए थे गेंद जरूर करने होगा बीसीसी को, अगर इस लक्ष्य को भेजना है फिलहाल कृष्णा तैयार लगातार कोशिश जरूर कर रहे हैं बल्ला जरूर चला रहे लेकिन नाकाम हो रहे हैं वहां पे बल्लेबाज, उस प्रकार की बल्लेबाजी कमी होगी जिस प्रकार प्रवीण त्रिवेदी ने बल्लेबाजी की थी, 45 रन की पारी खेली थी, 7 छक्के लगाए थे, किसी एक को प्रवीण त्रिवेदी वाली पारी खेलनी होगी अगर इस लक्ष्य को भेजना है फिलहाल कृष्णा तैयार अपने कोटे का पहला पारी के लिए चौथा ओवर राइट आर्म ओवर द विकेट, इस ओवर जरूर किया लेकिन लेट हो गए वहां पे कीपर, निश्चित रूप से दूर काफी आगे निकल चुके थे बल्लेबाज लेकिन लेट हो गए, तब तक बल्लेबाज सुरक्षित अपनी पॉकेट क्रीज पे, जीवन दान जरूर कहूंगा मैं बल्लेबाज के लिए, ओवर दी विकेट दौड़ना प्रारंभ किया पैर को पार किया, इस बार खेल दिया गया टीम में प्रांतिक बाधा जरूर आई और उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने अपने छोर बना दिए, एक और रन टीम के खाते में स्कोर जा पहुंचा 13 रन। अब सामने होंगे दीपक जो पारी का उद्घाटन करने के लिए आए हैं, देखते हैं किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं, सोहन की बात करो तो 3 नंबर बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं, आए हैं क्रिकेट की भाषा में कहो तो 1 डाउन बल्लेबाज, आप जानते हैं बहुत बड़ी भूमिका होती है 1 डाउन बल्लेबाज की, भारत के लिए विराट कोहली खुद 1 डाउन बल्लेबाजी करते हैं, टीम कप्तान जो 3 नंबर बल्लेबाजी करते हैं फिलहाल कृष्णा तैयार,
बदबू का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन अच्छी कीपिंग सुजान के द्वारा निश्चित तौर पे विकेटों से सटे हुए थे। लगने वाला दूसरा झटका दीपक के रूप में। अब देखते हैं चार नंबर बल्लेबाज के लिए कौन से बल्लेबाज आते हैं। रेस्टिंग रूम पहुंच चुके हैं और अभी मात्र 13 रन लगे हैं बोर्ड पे। हो गया गेंद गेंद और लॉलीपॉप कैच। क्या है बोलने, लॉटरी कैच कहूंगा मैं दीपक के लिए। अच्छा कबूला वहां पे दीपक ने। लगने वाला तीसरा झटका, गोल्डन डक वापस जा रहे हैं। क्यों रे मनी सोहन अतुल राइट हैंड ओवर दी विकेट। दौड़ना प्रारंभ किया इस बार, हवाई पे हवा में जरूर है गेंद, लेकिन नो मैन लैंड में जाकर कोई खिलाड़ी खड़ा नहीं था। मैं छोड़ बदल दिए, दूसरे रन की कॉल जरूर है। जब तक डिसाइन थ्रो आता दो रन प्राप्त कर चुके हैं। स्कोर जा पहुंचा 15 रन या स्कोरिंग शुरू की। बार बीट किया बल्लेबाज को, अच्छी गेंदबाजी लगातार और पिस्टन में अटैक गेंदबाजी की जा रही है सभी गेंदबाजों के द्वारा। तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर चौक को मार के इस बार फुलटा गेंद, हवा में जरूर है गेंद, लेकिन नो मैन लैंड में करारा प्रहार और पिस्टन में निकाला है। फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र में दूसरे रन के लिए पलटे, दो रन प्राप्त कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। स्कोर जहां पहुंचा 17 रन, फिर नो बॉल क्योंकि काफी आगे निकाल चुके थे। फ्रंट फुट नो बॉल करार दिया गया है। अभिषेक चौहान ने काफी लंबा पांव निकाल चुके थे वहां पे। अतुल फ्रीट का तोहफा जरूर मिला है सोहन के लिए इस टूर्नामेंट में और इस मैच में दूसरी बार तोहफा मिला है सोहन के लिए। देखते हैं किस प्रकार को बोलते हैं इस तोहफे को। सोहन तैयार इधर थ्री गेंद के साथ, अतुल तैयार इस बार नीचे नहीं गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा, अच्छी फील्डिंग दोनों में। थर्ड मैन में फिर फील्डर के द्वारा निश्चित तौर पर वहां बाउंड्री बचा रहे हैं। तीन तीन रन रोक रहे हैं अपनी टीम के लिए। भाई के रूप में एक रन प्राप्त किया है। स्कोर जा पहुंचा 16 रन, अब 19 रन, अब सामने होंगे त्रिलोक। देखते हैं आज किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं इस ग्राउंड पे त्रिलोक। प्रेशर जरूर है क्योंकि बड़ा लक्ष्य का पीछा कर रही है बीसीसीआई त्रिनाड की टीम। अतुल तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट, लगातार बीट कर रहे हैं बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। अच्छी वापसी, अच्छी कप्तानी दूंगा मैं, टीस बनी मिली है, तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की। अतुल तैयार इस बार और पिछम से काफी बार फेंक दी गई, निश्चित तौर पर करार दी जाएगी। एक और रन टीम के खाते में स्कोर जा पहुंचा 20 रन। अब तक कोई छक्का या चौका देखने को नहीं मिला है बीसीसीआई क्रिकेट के द्वारा। अब तो तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार बॉल के निचले हिस्से लेके गई बैंक। थर्ड मैन बाउंड्री पे अच्छी फील्डिंग वहां पे लगातार, बैकअप सही नहीं किया, अच्छा थ्रो किया था थर्ड मैन विकेट फील्डर ने। एक ओवर थ्रो के रन में रन प्राप्त किया है 2 रन और टीम के खाते में स्कोर जा पहुंचा 22 रन। इस बार अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा, सीरीज ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के साथ स्कोर है 22 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। फिलहाल हरी साहब ने पटक दूसरा, शरीर में जाके लगी गेंद, फुटोस गेंद। जरूर मिल रहे हैं, कबूल ले रहे हैं त्रिनाड के खिलाड़ी, लगातार फोटोस गेंदें फेंक रहे हैं, लेकिन कोई भी बाउंड्री में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काफी स्पीड है हरीश की गेंदों में। अपने कोटे का दूसरा पारी के लिए छठा ओवर लेके आए हैं राइट आर्म ओवर द विकेट। लगातार अच्छी गेंदबाजी सभी गेंदबाजों के द्वारा, कोई मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों के। एक तरफ अनुभव से भरे हुए टीम कैप्टन है सुजान, एक तरफ अंडर 19 के खिलाड़ी युवा है। फिलहाल हरीश तैयार, अनुभवी गेंदबाज है, इस बार हवा में जरूर है गेंद। थर्ड मैन बाउंड्री में जब तक खड़ा आते गेंद को फील्ड करते और पहले वेलकम बाउंड्री आती ही त्रिनाड के लिए पहला चौका निकलता हुआ बल्लेबाज सोहन के बल्ले से। टॉप में लेके जरूर गई थी गेंद, लेकिन बाउंड्री में तब्दील। हरीश तैयार, सामने सोहन तैयार, इस बार कदम के सर करके आए, जरूर खेला था गेंद को, मिसफील्ड जरूर हुए वापस खेला, जब तक गेंद फील्ड कर छोड़ बना दिया। दूसरे रन है डायरेक्ट हिट की जरूर जरूर, और यहाँ अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन प्राप्त कर चुके हैं, 2 रन टीम के खाते में स्कोर जा पहुंचा 28 रन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सोहन की बात करो तो, 3 नंबर बल्लेबाजी के लिए आए थे, एक छोर संभाल रखा है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सोहन। फिलहाल हरीश तैयार, इस बार खेल दिया गेंद को बैक टू बॉलर, अच्छी फील्डिंग अपने बॉलर थ्रो में हरीश के द्वारा, रन की गुंजाइश को खत्म किया। स्कोर अभी भी 28 रन,
छठे ओवर की गेंदबाजी की जा रही है हरीश के द्वारा। अपने कोटे का दूसरा पारी किया, इस बार सोलह रन गेंद जरूर खेलना जरूर है, गेंद फील्डर जरूर गेंद के नीचे आ रहे हैं। अब छह रनिंग के फील्डर के द्वारा लगने वाला चौथा छक्का या सोहन की पारी का खाता हुआ है। सोहन की बात करो तो 15 रन तैयार, सामने दीपक तैयार, स्वाद कोशिश जरूर की थी गेंदबाज ने लेकिन नाकाम रहे, एक रन और टीम के खाते में स्कोर क्या पहुंचा 29 रन। अब सामने होंगे इस टूर्नामेंट में पहली बार सामना करेंगे गौरव सुबोध की गेंदों का। सुबोध राइट आर्म ओवर द विकेट लगातार दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए झागदार एंड से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर गोस्वामी को पार किया, बल्ले का निचला हिस्सा लेके गए थर्ड विकेट बाउंड्री में, जब फील्डर गेंद को फिर कर अपने छोर बना दिए, कोई भी खिलाड़ी बैकअप नहीं कर पाए, जहां एक रन था वहां दो रन प्राप्त कर चुके हैं। ओवर थ्रो के रूप में एक रन प्राप्त किया, तीसरे रन की कोर है, तीन रन प्राप्त कर चुके हैं। अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, गौरव ने स्कोरिंग शुरू की, तीन रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 32 रन। अब सामने होंगे तीन लोग, सौरभ तैयार, तीन लोग तैयार, इस बार बल्ला जरूर चलाया था, बल्ले का निचला हिस्सा लेके लुटकती रह गई, दो रन टीम के घर में एक बाइक के रूप में स्कोर जा पहुंचा 34 रन। सुबोध तैयार, सामने गौरव तैयार, लगातार अच्छी गेंदबाजी सभी गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिली है। टीसीसी मस्तुरा के गेंदबाजों के द्वारा कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को हाथ खोलने का, कसी भी गेंदबाजी कहूंगा मैं। सुबोध तैयार, अपने कोटे का दूसरा पारी के सात ओवर, राइट आर्म ओवर भी विकेट दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, लगातार बैकफुट बजा के गेंदों को कट निकालना जरूर चाहते हैं बल्लेबाज, लेकिन गेंद को मिस कर रहे हैं, बाकी का काम कर रहे हैं विकेट कीपर। अभी भी स्कोर 32 रन, चार विकेट के नुकसान पे 34 रन, माफ करना। सुबोध तैयार, राइट आर्म ओवर भी विकेट दौड़ना प्रारंभ किया, क्षेत्र में गेंद गई है, अंपायर सिग्नल, चार रन, एक और वेलकम बाउंड्री आती हुई बीसीसी तिरुनैन के लिए, स्कोर जा पहुंचा 39 रन। इसी प्रकार के छक्के चौके लगाने होंगे, इस लक्ष्य को भेजना है तिर को, खुल के बल्लेबाजी करनी होगी। फिलहाल कृष्णा तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी फील्डिंग होगा, लगातार अच्छी फील्डिंग, थर्ड में खड़े फील्डर के द्वारा कोई मुक्त, इसलिए चंपाई ने अपनी बाहें खोली, वाइड करा दिया, एक रन बाइक के रूप में, दो रन टीम के खाते स्कोर जा पहुंचा 41 रन, 41 लॉस ऑफ फोर विकेट। कृष्णा अपने कोटे का दूसरा पारी के लिए आठ ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट दायात के बल्लेबाज के लिए, सामने तीन लोग तैयार, इस बार हवा में जरूर है गेंद, प्रवीण त्रिवेणी जरूर गेंद के नीचे आना चाहते हैं, लेकिन नो मैन लाइन में कोई खिलाड़ी खड़ा नहीं था, रन का सब खतरा जरूर, लेकिन जब तक हो आता अपने छोर बदल दिए, दो रन टीम के खाते में, तीन लोग तैयार, बैट पे जाके लगी गेंद, स्कोर अभी भी 43 रन। धीरे धीरे लक्ष्य और विशाल होता जाएगा, जैसे जो डिलीवरी होगी आपके लिए उछाल लेगा, टूर्नामेंट से बाहर होती जाएगी बीसीसी तिरुनैन की टीम। फिलहाल कृष्णा तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने तीन लोग तैयार, इस बार निकाल दिया गेंद को स्पैनर के क्षेत्र में, ठीक इस रन की कॉल है, और जब तक रन आउट का खतरा जरूर। अरे यार तीन लोग अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे यार, अनाज के रूप में विकेट गंवाए हैं, पांच विकेट के नुकसान पे स्कोर है 44 रन। कृष्णा तैयार, सामने अतुल तैयार, विनीश तमुखाड़ी की गेंद, लगने वाला छठवा झटका, खिड़की बना दी वहां विकेटों की तारीफ करने की गेंदबाज कृष्णा के लिए, कारपेंटर का काम कर दिया यहाँ पे, यहाँ खिड़की बनाने लोग कारपेंटर के पास जाते हैं, यहाँ कृष्णा गेंदबाज खुद बना रहे हैं। किसान राउंड ओवर द विकेट लगातार दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, निकाल दिया गेंद का, एक रन के लिए स्कोर जा पहुंचा 43 रन। सीमित ओवर की समाप्ति, साझा ने निगाह टिका रखी है, अब एक और परिवर्तन गेंदबाजी में आ रहे हैं गेंदबाज राहुल, एक और परिवर्तन, राहुल आए हैं, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, देखते हैं किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं।
निकाल दिया गेंद को स्लिप के क्षेत्र, फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र में एक रन के लिए, दूसरे रन की कॉल है और वहां डिसाइड थ्रो है, निश्चित तौर पर दूर रह जाते बल्लेबाज, लेकिन दो रन प्राप्त कर चुके हैं, स्कोर जा पहुंचा 47 रन। धीरे धीरे अब शतक की ओर अग्रसर है बीसीसी त्रिनार की टीम, निश्चित तौर पे तुंगनाथ बाबा भरत बाबा पे भारी पड़ते हुए। इसके बाद जो मुकाबला होना है दोनों टीमें इस संपर्क बनाए गए कॉम्पी बॉक्स है, फिलहाल राहुल भैया लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, इस बाहर बल्ला जरूर चलाया था लेकिन नाकाम रहे बल्लेबाज रजनीश, देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, कहां तक पहुंचती है टीम बीसीसी त्रिनारायण की। फिलहाल राहुल भैया और अच्छी गेंद बीत गया बल्लेबाज को, अच्छी फील्डिंग को लगातार तारीफ करने के थर्ड में खड़े फील्डर के द्वारा, निश्चित तौर पर गोंडिया बचाई वहां पे, अच्छी गेंद फील्डिंग कहूंगा मैं थर्ड में खड़े फील्डर के द्वारा। फिलहाल राहुल तैयार सामने इस बार खेल दिया गेंद को बैक टू बॉल, अच्छी फील्डिंग होगी बॉलर थ्रो में राहुल के द्वारा, रन की गुंजाइश को खत्म किया, अब बल्ला चेंज जरूर कर रहे हैं रजनीश, यहां से लंबे लंबे छक्के दिखाने होंगे, अब लगभग फॉर्मिटी रह चुकी है इस मैच की, लगभग पीसीसी की झोली में जाता हुआ यह मैच, जब तक दोनों प्रारंभ के पर इस बार लगातार फ्लो होल में गेंदें की जा रही है, बल्ले का निचला हिस्सा लेकर लुढ़कती रह रही है गेंद, वहां पे अच्छी गेंदबाजी कहूंगा, अच्छा परिवर्तन पीसीसी के टीम कैप्टन के द्वारा, राहुल को आजमाया गया, हमने कोटे का पहला पारी के लिए नौ ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, सारी पीछे या लक्ष्य का पीछा जरूर कर रही है बीसीसी की टीम, लेकिन बहुत दूर लग रहे हैं, अब धीरे धीरे ओजर होता हुआ लक्ष्य, राहुल तैयार सामने क्लीन बॉल, ऑफिस से मुखाड़ी की गेंद लगने वाला सातवां झटका, राहुल को मिलने वाली पहली सफलता, अब लगभग पीसीसी की झोली झोली में जाता हुआ यह मैच, अब बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज पहली गेंद इसके अलग क्षेत्र में हवा में जरूर है गेंद, लेकिन बाउंड्री लाइन से काफी दूर रुकी गेंद, दूसरे रन की कॉल है, दो रन कर चुके हैं, अब पांच गेंदों में 69 रन की दरकरार है, अगर कोई बाउंड्री 12 रन की होती निश्चित तौर पर मैच में बने रहते। फिलहाल स्वाहा स्टंपिंग आउट करा दिए गए, निश्चित तौर पर कदमों का इस्तेमाल किया था, अच्छी कीपिंग, एक और झटका बीसीसी त्रिनार को लगने वाला आठवां झटका, अब यहां से चार गेंदों में तैयार राइट आर्म ओवर दी विकेट, इस बार करारा प्रहार लोग आपके क्षेत्र में, जब तक फिलहाल गेंद को फिर छोड़ बदल दिए, एक और रन टीम के खाते में, यह स्कोरिंग शुरू की, सुधाकर ने एक रन के साथ टीम के स्कोर जा पहुंचा 50-50 पूरी हुई है बीसीसी त्रिनारायण की, और डॉट तैयार ईश्वर कदमों के साथ जरूर किया था, शरीर पे जा लगी गेंद, धीरे धीरे पीसीसी मुस्तरा की झोली में जाता हुआ यह मैच, अब फॉर्मेलिटी रह चुकी है, मात्र तय हो चुका है कि पीसीसी मुस्तरा की झोली में गया है मैच, और डॉट तैयार इस बार करारा प्रहार, नो बॉल करार दिया है अंपायर अभिषेक चौहान ने, दो रन प्राप्त किया है, तीसरे रन की कॉल है, और जब तक थ्रो आता तीन रन प्राप्त कर चुके हैं, और एक नौ ओवर चार रन और टीम के खाते में स्कोर जा पहुंचा 54 रन, अब थ्री का सामना करेंगे गेंदबाज बल्लेबाज सुधाकर, तोहफा जरूर है, पहली गेंद थ्री के गेंद है, देखते हैं किस प्रकार बनाते हैं इस तोहफे को, छक्का चौका दो एक कुछ भी हो सकता है, और नॉट तैयार थ्री गेंद के साथ सामने सुधाकर तैयार, इस बार करारा प्रहार, अब तो इसे नराना बाकी होनी नहीं से नजदीक रुक चुकी है गेंद, एक ही रन मात्र, फिर राहुल गेंद जरूर पर लेकिन थ्री थी, इस बार करारा प्रहार लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, नीचे आए हैं बल्लेबाजी के लिए, अगर ऊपर कराते बल्लेबाजी निश्चित तौर पे कुछ और मजा रहता है इस मैच का,
बहुत बड़ी जीत कहूंगा मैं टीसीसी मस्तरा के लिए, बहुत बहुत बधाई है टीसीसी मस्तरा टीम कैप्टन सभी प्लेयर्स के लिए। और फिलहाल खाना खाते हैं फिर हम भी निकलते हैं। और अगर इस चैनल पे कोई नया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्यार से कमेंट करना ताकि मैं आपको पहाड़ से रिलेटिव ऐसे और अनोखी वीडियोस लाता रहूं। मिलता हूं एक नए दिन नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय एंड टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।